पेंशन टीवी की टीम आज पहुंची है सपीतों के वार्ड नंबर 17 में। जी हाँ, जहाँ पर एमसी है बजिंदर सिंह। उन्होंने अपने निजी को से अपनी जेब से यहाँ पर एक फोगिंग मशीन लेके आए हैं। ये फोगिंग मशीन ये लेके आए हैं और अपनी जेब से, और इसका जो मेडिसिन है वो भी इन्होंने लेके आया है, ताकि वार्ड के अंदर मच्छरों से वार्ड वासियों को निजात मिल सके। एमसी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने वार्ड के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर काम को करते हैं, इसी क्रम में आज आप फोगिंग करा रहे हैं। यशपाल जी, जब से वार्ड वासियों ने मुझे जिम्मेवारी दी है जी। तब से मैं वार्ड की देख रेख सफाई की है जी। सड़क की है जी। और कोई भी छोटा मोटा काम है, किसी भी प्रकार का, किसी भी ग्रुप का है, किसी हमारे भाई का है, किसी प्रकार का कोई कार्य है, मैं जी जान से तत्पर रहता हूँ, उनके लिए तैयार रहता हूँ। आप जैसे सुनने में आया है कि आपने जो फोगिंग आप करा रहे हैं वो भी आप अपनी निजी खर्च से, अपनी जेब से करा रहे हैं, कि नगर पालिका की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? यशपाल जी, कुछ दिन पहले अभी बारिश हुई थी और बारिश भी लगभग 2-3 दिन चली है, उसमें क्या है मच्छर काफी मात्रा में हो जाते हैं, जिससे मलेरिया है, हैजा है, इस प्रकार की बीमारी होने का काफी खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए मैंने बात भी की नगर पालिका सफीदों में, देखा तो वहाँ पे अभी तक उसमें होने में टाइम लगेगा। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगा, मैंने देखा तब तक तो काफी दिक्कत आ चुकी होती है। हाँ, तो इसीलिए मैंने फिर अपने पैसे से, अपने निजी कोष से मशीन खरीद के और फोगिंग का कार्य शुरू करवा दिया है। जैसे कि हाल ही में अभी आपने राउंड ऑफ कराया पूरे मोहल्ले, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा राउंड ऑफ क्या होता है, कि जो नाले नालियां हैं उसके ऊपर घास को एक दवाई के जरिए बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, ताकि नाले और नालियां बिल्कुल साफ हो, तो वो भी आपने अपने जेब से ही किया है, उसमें भी आपने नगर पालिका की कोई मदद नहीं की। यशपाल जी, कुछ दिन पहले हमारी नगर पालिका में ठेका प्रथा खत्म हो गई है, जिससे हमारे 40 से 45 जो स्वीपर थे वो हट चुके हैं, कर्मचारियों की काफी कमी है नगर पालिका में, और वार्ड की सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्ड की जिम्मेवारी एक जिम्मेवारी होती है, सोचा समझा जाए तो। अगर बात की जाए, जैसे आपने सफाई का भी जिक्र किया, तो ठेका प्रथा खत्म होने के बाद आपके वार्ड में सफाई, जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां आती थी, तो आपने अपने निजी खर्च से एक सफाई कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ वार्ड में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यशपाल जी। क्या हुआ, हमने देखा, जैसे हमने डोर टू डोर की कलेक्शन, कूड़े की कलेक्शन करवाने के लिए हमने कार्य शुरू किया जी। उसके बाद देखा सफाई में काफी फर्क मिला, कचरा है, कोई छोटा मोटा कचरा है नाली में आ जाता, जिससे नाली रुक जाती है, बड़े आगे जाके बड़े नाले में रुकती है, जिससे बहुत गहरी समस्या बन जाती है नालियों में और नालों में। तो हमने रूटीन में अपने खर्चे से एक कर्मचारी और एक उसको जो है वो साधन होता है, जो उसका जो होता है फावड़ा है जी, जी, जी। वो हमने साथ में अवेलेबल करा के आज भी रूटीन में, ताकि वार्ड में सफाई सुनिश्चित हो सके। हाँ। तो मैं बजिंदर जी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आरोप लगते हैं नगर पालिका प्रधान पर कि वो सबको साथ लेकर नहीं चलते, तो इस बारे में आपके विचार? यशपाल जी, ये सब आरोप लगाना लोगों का काम है, लेकिन नगर पालिका में ऐसा कुछ नहीं है, सभी 17 के 17 पार्षद एक हैं और मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, और शहर के सफीदों शहर के विकास कार्य में पहले भी नगर पालिका चेयरमैन सेवाराम सैनी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और आगे भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो ये थे वार्ड नंबर 17 से बजिंदर सैनी, जो जिनका कहना है कि वो सब अपने वार्ड की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, भले ही उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़े, वो फिर भी इसके लिए तत्पर हैं, उन्हें इसमें खुशी मिलती है। उनको जो प्रतिनिधि वार्ड वासियों ने चुना था